लकड़ी काट कर कश्ती बनाने से भला, लकड़ी काट कर कश्ती बनाने से भला, कागज की कश्ती को तैराना ठीक था। लकड़ी काट कर कश्ती बनाने से भला, कागज की कश्ती को तैराना ठीक था। खाली पड़े हैं शहर भर के सीसीडी, खाली पड़े हैं शहर भर के सीसीडी, उन चाय अड्डों का जमाना ठीक था, उन चाय अड्डों का जमाना ठीक था। और अभी मैंने हाल ही में लिखा है, सुनिएगा, कि गम का मारा हूं मैं बीमार नहीं हूं, गम का मारा हूं मैं बीमार नहीं हूं, किश्तों का पैसा हूं मैं कोई उधार नहीं हूं, किश्तों का पैसा हूं मैं कोई उधार नहीं हूं, और मेरे हाथ जल गए हैं पराई आग बुझाने में, मेरे हाथ जल गए हैं पराई आग बुझाने में, सबूतों पर मत जाओ मैं गुनहगार नहीं। तो शुरुआत करता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं मोहब्बत पे कम लिखता हूँ, तो मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी के मायने, ठीक है। और किसी के लिए मिट्टी है जिंदगी, किसी के लिए सोना है जिंदगी, ठीक है, किसी के लिए उत्सव है जिंदगी, किसी के लिए अवसर है जिंदगी, पर मेरे लिए जिंदगी किसी अंशुलझी कहानी की कोई रहस्यमयी पहेली, ठीक है। तो शुरू करता हूँ जिंदगी के मायने। आज के लोग मंगल पर जीवन ढूंढते हैं, आज के लोग मंगल मार्स पर जीवन ढूंढते हैं, अरे कोई तो जीवन में मंगल ढूंढ के देखे, ठीक है। तो शुरू करता हूं कि कवि बोला जिंदगी एक मधुर सी शाम है, कवि बोला जिंदगी एक मधुर सी शाम है, प्रेमी बोला जिंदगी बस प्यार का ही नाम है, कृषक बोला जिंदगी मेहनत लगन और काम है, और आलसी बोला सुनिश्चित जिंदगी आराम है, आलसी बोला सुनिश्चित जिंदगी आराम है, वेद बोले जिंदगी तो ईश्वरीय वरदान है, वेद बोले जिंदगी तो ईश्वरीय वरदान है, शराबी बोला जिंदगी बस मैं कदे की शाम है, शराबी बोला जिंदगी बस मैं कदे की शाम है, छात्र बोला जिंदगी बस परीक्षा और परिणाम है, छात्र बोला जिंदगी बस परीक्षा और परिणाम है, और मुर्दा बोला कब्र में कि जिंदगी शमशान है, मुर्दा बोला कब्र में कि जिंदगी शमशान है, लेखक बोला जिंदगी एक अजीब सी कहानी, लेखक बोला जिंदगी एक अजीब सी कहानी है, भ्रष्ट नेता खुल के बोला जिंदगी बेमानी है, भ्रष्ट नेता खुल के बोला जिंदगी बेमानी है, और किन्नर बोले व्याकुल मन से जिंदगी बस नजराना है, किन्नर बोले व्याकुल मन से जिंदगी बस नजराना है, और भूखी चिड़िया ऐसे बोली जिंदगी वो एक दाना है, भूखी चिड़िया ऐसे बोली जिंदगी वो एक दाना है, नारी बोली जिंदगी बस दर्द का ही नाम है, नारी बोली जिंदगी बस दर्द का ही नाम है, जंग लगी तलवार बोली जिंदगी म्यान है, जंग लगी तलवार बोली जिंदगी म्यान है, और खोता हुआ बचपन बोला जिंदगी गुमनाम है, खोता हुआ बचपन बोला जिंदगी गुमनाम है, और सरहद पे बैठा सैनिक बोला जिंदगी बलिदान है, सरहद पे बैठा सैनिक बोला जिंदगी बलिदान है, विद्वान बोले जिंदगी बस कर्मों का निष्कर्ष है, पर सभी ने माना ये कि जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष है। एक छोटी सी एक कविता और है, उसे बोल के बात अपनी खत्म करूंगा, कि बुलंदी से डरे ये लोग वो हैं, ये कविता का शीर्षक है वक्त, और आप इसे मतलब फील करिएगा, क्या मैंने कोशिश करी है कारीगरी करने की, कि बुलंदी से डरे ये लोग वो हैं, बुलंदी मतलब ऊंचाइयों से डरे ये लोग वो हैं, पतंगें सबसे ऊंची जो उड़ाते थे, बुलंदी से डरे ये लोग वो हैं, पतंगें सबसे ऊंची जो उड़ाते थे, सिकंदर बन गए वो लोग जंगल के जिन्हें गीदड़ कभी कह के हराते थे, सिकंदर बन गए वो लोग जंगल के जिन्हें गीदड़ कभी कह के हराते थे, और जुगनू बन गए हैं आजमी पर, जुगनू बन गए हैं आजमी पर, जो तारे आसमां में जगमगाते थे, जुगनू बन गए हैं आजमी पर, जो तारे आसमां में जगमगाते थे, सो गए वो लोग सरहद पर, यही तो चैन से सबको सुलाते थे, भुखमरी से मरने वाला अन्नदाता, न जाने कितनों को रोटी खिलाते थे, और जो लोग ये नंगे खड़े हैं इनको देखो, कभी औरों के ये कपड़े बनाते थे, और अवसाद में जो दिख रहे हैं लोग तुमको, अवसाद मतलब डिप्रेशन, अवसाद में जो दिख रहे हैं लोग तुमको, कभी ये लोगों को दिन भर हंसाते थे, और भंवर में डूब कर जो मर गए हैं लोग देखो, कभी ये लकड़ी की नावें चलाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।